वेलकम ट्वेल्थ क्लास। इलेवेंथ क्लास से आए हैं अब आप लोग ट्वेल्थ क्लास में। बिजनेस स्टडीज की मेरी इस क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग हमारे इस बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा सिलेबस देखेंगे कि आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, कैसे पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा। आइए देखिए क्लास। सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हम लोगों का दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। टेंशन मत लीजिए, इसमें अकाउंट्स की तरह तीन या दो बुक नहीं होती, बुक एक ही होती है, बट उस बुक के अंदर ही इन दो पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट नंबर ए में आपके एट चैप्टर्स होते हैं। एट चैप्टर्स में पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के बारे में मैनेजमेंट होता क्या है क्लास। सेकेंड प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट के रूल्स। आप जब कंपनी में वर्क करने जाएंगे तो आपको रूल्स तो पता होने चाहिए ना, प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए मैनेजमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। हमारा हम लोगों ने आज तक नॉर्मल घर का एनवायरनमेंट देखा है, लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट अलग होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या होता है, वो सारा इस चैप्टर में देखेंगे। प्लानिंग देखेंगे हम लोग, प्लानिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे होती है कंपनी के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग, हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे अपने प्लान को। फिर हम स्टाफिंग कैसे करेंगे, जब हम लोग न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे अपनी कंपनी में रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, क्या प्रोसेस होता है स्टाफिंग का। अब आपने एम्प्लॉयज को रखा तो आप उन्हें डायरेक्ट भी तो करोगे ना, कोई एक डायरेक्ट जो आपका मैनेजर है उसे डायरेक्ट करेगा, कैसे करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग, कि अब हम उन्हें डायरेक्ट तो कर दिया, हमने उन्हें बता तो दिया उन्हें क्या क्या करना है, बट उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हम लोग उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपकी पूरी प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, ये आपके पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे। जिसके अंदर आपके जो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स है वो 16 मार्क्स के हैं, नेचर, प्रिंसिपल एंड बिजनेस एनवायरमेंट। नेक्स्ट थ्री, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, आपका 14 मार्क्स का है टोटल। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दो चैप्टर आपके 20 मार्क्स के हैं। तो ओवरऑल आपका जो पार्ट ए है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपके चार चैप्टर्स आते हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारा फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी चीजें पढ़ेंगे क्लास। यानी कि जो फाइनेंस हम लोग कंपनी के अंदर किस तरीके से करें, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, 9th चैप्टर। 10th चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके अंदर कैसा पैसा लगाए, कैसे लगाए हम पैसा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम लोग मार्केटिंग में किस तरीके से अपने आपको मैनेज करके चले, मार्केटिंग के अंदर हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, अगर लॉन्च कर रहे हैं तो कैसे प्राइजेस कैसे रखें उसको, कैसे हम लोग उसको और इनोवेटिव बनाएं, मतलब पूरा मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम लोग इसके अंदर देखेंगे। एंड द लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि कंज्यूमर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये चार टॉपिक, ये चार चैप्टर हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे। पहले दो चैप्टर आपके 15 मार्क्स के और बाकी दो चैप्टर 15 मार्क्स के, इट मींस जो पार्ट बी है वो आपका 30 मार्क्स का हुआ। अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का अगर मैं मिला दूं तो आपके टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स का, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ये 100 मार्क्स दो में बाइफरकेट है, 80 और 20 में क्लास। जो ये 80 मार्क्स है वो तो आपके यहाँ आ गए पूरी बुक से, और ये जो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल के क्लास, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्लस वाइवा और प्लस आप लोगों का इसमें रिटर्न नहीं होता, रिटर्न आपका अकाउंट्स में होता है, रिटर्न आपका बिजनेस स्टडीज में नहीं होता, प्रैक्टिकल फाइल प्लस वाइवा, इसके आपके 20 मार्क्स होते हैं। अब इस पूरा जो मैंने आपको ये पूरा सिलेबस बताया है, इसको भी हम लोग एक प्लानिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, एक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और आप लोग अपनी ट्वेल्थ क्लास में 90 प्लस गेन कर सके। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर लेंगे। थैंक यू।